योगी कैबिनेट पर ओम प्रकाश राजभर का एक बयान चर्चाओं में है, जिसके चलते राजनीति अब तेज होती जा रही है। दरअसल ओपी राजभर ने कहा है कि सुनने में आ रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। अभी तक हमको राजभवन से सूचना ही नहीं आई, हम पहले भी मंत्री रहे हैं बावजूद इसके। बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर भी शपथ ले सकते हैं। राजभर आज शाम शपथ ग्रहण की पूरी तैयारी में हैं। बता रहे हैं कि उनके साथी दारा सिंह भी शपथ लेंगे, साथ ही आरएलडी के लोग भी मंत्री बनेंगे। नए चेहरे सामने आएंगे और पुरानों को नहीं मौका मिलेगा। उन्होंने ये कहा और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं उन्हीं की जुबान। वाले से खबर मिल रही है और राजभवन से भी खबर कुछ लोगों द्वारा ऐसी बताई जा रही है। अभी तक हमको ऑथेंटिक जैसे राजभवन से कोई सूचना या मुख्यमंत्री ऑफिस से ऐसी सूचना भी नहीं आई है, परंतु जो सुनने को मिल रहा है कि 5 बजे शपथ होगी। कैसा अनुभव है, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या लग रहा है, किस तरह की चीजें रहेंगी? देखिए, हम जैसे पहले थे आज भी हैं कल भी रहेंगे, और ये कोई नई चीज नहीं है कि हमको नई चीज मिल रही है। हम तो मंत्री पद मिला, उसको 2 साल निभाए, अपने कर्तव्य को जो गरीब कमजोर वंचित सोचतों की मदद करते रहे, उससे जब हम रिजाइन दे करके चले गए कुछ बिंदुओं को लेकर के, तो उससे बहुत हमको वो नहीं है कि हम मंत्री बन रहे हैं। हमारा एक लक्ष्य है गरीबों की सेवा, वंचित शोषितों की सेवा, पिछड़े दलित वंचित के अधिकार के लिए उनको जागृत करना कि जागो तभी सवेरा है। आप अपने हक के लिए लड़ो, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार नौकरी के लिए आप लड़ो, समाज में अमन चैन भाईचारा के लिए लड़ो, इसके लिए हम उनको बराबर प्रेरित करते रहते हैं। बता दें कि राजभर ने कहा कि सुनने में आ रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, हमें अभी तक सूचना नहीं मिली। मंत्री बने तो राजभर कौन सा विभाग चाहेंगे, उन्होंने ये भी बताया। दरअसल सुभाषपा नेता ने कहा कि हमारी तरफ से कोई डिमांड नहीं है, मुख्यमंत्री जी कोई भी विभाग दें, हमारे लिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं, जनता से जुड़े विभाग से ही जनता की सेवा की जा सकती है। और क्या कुछ बोले ओम प्रकाश राजभर, सुनिए। हमारे तरफ से कोई डिमांड नहीं है, मुख्यमंत्री जी जिसको जो लोग विस्तार में शामिल होंगे, जो भी विभाग जिसको देंगे। और ये तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि ये एक माध्यम है और जनता को लाभ पहुंचाने के लिए, तो उसको कोई भी काम, हमारे लिए कोई काम ना तो छोटा है ना बड़ा है। हमारा जो लक्ष्य होता है कि सत्ता के माध्यम से वंचित शोषितों को जागृत करना, उनको अधिकार के प्रति जागरूक करना और अधिकार दिलाना और उनके साथ मिलजुल करके रहना। बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लंबे इंतजार के सवाल पर राजभर ने कहा कि मेरे लिए मंत्री पद मायने नहीं रखता, मेरा काम गरीबों और मजलूमों को जागरूक करना है, मैं चाहता हूं कि सभी जातियां जागरूक हों और शिक्षा स्वास्थ्य और राजनीति के करीब आएं, उनको जगाना, उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ना हमारा काम है। बता दें इसके अलावा बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के पीएम नरेंद्र मोदी पर परिवारवाद वाले तंज पर एसबीएसपी प्रमुख ओपी राजभर ने ये कहा कि लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय और राज्य की राजनीति में एक प्रसिद्ध राजनेता थे, अब वो दोनों से बाहर हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 140 करोड़ भारतीयों के परिवार के मुखिया हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी खुशी और उनके अधिकारों की जिम्मेदारी उन पर है। 140 करोड़ लोग पीएम नरेंद्र मोदी की निगरानी में फल फूल रहे हैं। जहां ओम प्रकाश राजभर का ये बयान अब राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी.com और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।